हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको गुड नोट 5 और नोटेबिलिटी में डिफरेंस बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे iOS हिंदी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो हर बार मिले। तो इसका सबसे पहला जो फीचर्स है वो है इसका इंटरफेस। जब आप दोनों ऐप्स को चलाओगे तो आपको गुड नोट 5 का जो इंटरफेस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा लगेगा, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा है। नेक्स्ट फीचर्स है इसका फ्री सर्च टूल। देखिए, जो गुड नोट 5 में जो टूल दिया गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पर नोटेबिलिटी में इसकी बात करें तो ये काफ़ी महंगा है, इसे अलग से परचेज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कोई भी मैथ वर्ड, तो गुड नोट 5 में वो वर्ड मुझे दिख जाता है, पर यहाँ पर जब मैं करता हूँ तो वो नहीं मिलता है। मतलब उसे करने के लिए, जैसे कि मैं आपको प्रूफ के लिए यहाँ से कोई भी चीज़ उठा लेता हूँ जो नाम का है, नहीं मिलता। थर्ड है इसमें जो नोटबुक की चॉइस होती है। जब हम यहाँ पर कोई नया नोटबुक क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी चॉइस हैं, फोल्डर, इमेज, स्कैन डॉक्यूमेंट, टेक फोटोज़, इम्पोर्ट, क्यूट नोट, आप कोई भी चूज कर सकते हो। पर नोटेबिलिटी में ऐसा सीन नहीं है, जब आप नया नोट बनाओगे तो एक नई फाइल खुलेगी। डिज़ाइन ए नोटबुक इसका फोर्थ फीचर्स है जो गुड नोट 5 जीतता है। गुड नोट 5 में जब आप नोटबुक डिज़ाइन करते हो तो आपसे कवर अलग चूज करवाता है और उसका पेपर अलग चूज करवाता है कि आप किस तरह से अपने नोटबुक को हैंडल करना चाहते हो। अगर उसी टाइम हम नोटेबिलिटी की बात करें तो हमको ऐसा कोई सीन नहीं दिया हुआ है, केवल आप डायरेक्टली देख सकते हो, कोई चूज़ नहीं करवाता। इसका नेक्स्ट फीचर है पेज चॉइस करने का। देखिए, जो गुड नोट 5 है आप इसमें अलग से इम्पोर्ट कर सकते हो पेज, या फिर आप जो पेज चाहो उसे चेंज कर सकते हो टेम्पलेट को। और जैसे आपको लगता है कि ये पेज अच्छा नहीं है तो आप अपनी फाइल से डाउनलोड करके इंटरनेट से और पेज यूज कर सकते हो। पर नोटेबिलिटी में बात करें तो इसी वाले पेज की, तो नोटेबिलिटी में दोस्तों लिमिटेड चॉइस ऑफ पेजेस हैं। मतलब जितना आपको दिया है उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा। आप यहाँ पर अलग से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप इसे इम्पोर्ट करना चाहोगे तो होगा ही नहीं। देखिए, इसमें ये डिफ़ॉल्ट है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसे करते हैं, तो ये काफ़ी बैड फीचर्स है नोटेबिलिटी का। देखिए, मोर पेन विद मोर मॉडिफिकेशन। देखिए, गुड नोट 5 में आपको तीन टाइप के पेन दिए हुए हैं, ब्रश पेन, बॉल पेन और फाउंटेन पेन। और इसमें जो ब्रश का साइज है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा एडजस्ट करके आप डिफॉल्ट करके रख सकते हो। पर वहीं अगर नोटेबिलिटी में बात करें तो आपको केवल चार टाइप के पेन दिए हैं, जिसमें दो हमारे कोई काम के है नहीं, जो दिए हुए हैं ब्रश और बॉल पेन हैं। फाउंटेन पेन इसमें यूज़ दिया ही नहीं है। और जो साइज़ है इसमें मॉडिफिकेशन का साइज़ नहीं दिया गया है, जो कि डिफॉल्ट है दिया गया है, उनसे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो इस बार भी गुड नोट 5 काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट फीचर्स आता है इसका फ्री राइटिंग टू टेक्स्ट कन्वर्टर। देखिए, ये फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गुड नोट 5 को जब हम परचेज़ करते हैं तो काफ़ी कम दामों में ख़रीदा हुआ जाता है, और जब इसे हम इसका ये फीचर्स यूज़ करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से और वो कन्वर्ट कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अगर नोटेबिलिटी में इसी चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ तो इसके लिए मुझे अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी बेकार है एक स्टूडेंट के लिए। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, बेकार है ना। तो अब इसके नेक्स्ट फीचर्स बात करते हैं, क्विक सेव टूल। देखिए दोस्तों, गुड नोट 5 का क्विक सेव टूल इतना शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको इसमें होल्ड नहीं करना पड़ता, पर नोटेबिलिटी में जब आप कोई सेव बनाते हो तो वो सेव तब बनती है जब आपको इसको होल्ड करना होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने होल्ड किया तो ही सेव बनेगी, और अगर आप होल्ड नहीं करते हैं तो ये सेव नहीं बन पाएगी। पर जैसे ही आप गुड नोट 5 की बात करते हो तो गुड नोट 5 में ये सेव आराम से बनने लग जाती है। जैसे आप कोई भी सेव यहाँ पर डिज़ाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मतलब गुड नोट 5 में कोई भी सर्कल कर ड्रॉ करता हूँ तो अपने आप ड्रॉ जस्ट तुरंत ही क्विक हो जाता है, इसमें आपको होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वाले फीचर्स में भी गुड नोट 5 नोटेबिलिटी से बेहतरीन है, जीत जाता है। और देखिए, अगर हम इम्पोर्ट पेज फ्रॉम वेब, मतलब जब हम नोटेबिलिटी यूज़ करते हैं तो आप नोटबुक में, मतलब ये चाहते हैं कि मैं हर बार कोई नोटबुक चाहता हूँ तो उसके लिए पेज अलग चाहिए, तो आप यहाँ पर इम्पोर्ट करके डिफ़ॉल्ट पेज में
अपना पेज बना के रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लैंडस्केप में ब्लैक और एक पोर्ट्रेट में ब्लैक रख लेता हूँ, तो जब भी मैं कोई नई नोटबुक बनाऊंगा तो मुझे इनको अलग से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ। पर नोटेबिलिटी में ऐसा नहीं है, जब नोटेबिलिटी में कोई नोट क्रिएट करते हो तो नोटेबिलिटी में आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है उसी को, और उस सेलेक्ट करने के बाद में आप उसे यूज कर पाते हैं, जो कि काफ़ी वैड फीचर्स हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ऐप की बात करें तो गुडनोट 5 नोटेबिलिटी से सस्ता होने के बावजूद भी इतना बेहतरीन ऐप है जो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो गुडनोट 5 आँख बंद करके इसे परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही शानदार ऐप है और ये केवल वन टाइम पेमेंट होता है इसका। नेक्स्ट है सिलेक्शन टूल ग्रेट। देखिए जो गुडनोट 5 का जो सिलेक्शन टूल है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सिलेक्शन टूल है, क्योंकि इसमें एक टेक स्क्रीनशॉट ऑप्शन आता है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर यहाँ पर ऐसा नोटेबिलिटी में सीन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें, अगर आपका कोई प्रश्न है सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपका सुझाव ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।